कई लेडी कॉरपोरेटर्स हैं जो आज फील्ड में हैं, ग्राम पंचायत औरत, तालुका पंचायत औरत, जिला पंचायत औरत, एमपी औरत, आईएएस औरत, टीचर औरत, आईपीएस औरत, पायलट औरत, हर जगह हम चीयर कर। गुलबर्गा नॉर्थ की सीट औरत बोलते पेट में तकलीफ, तल मला के रह जाते कि भाई औरत हूँ कैसा, औरत हूँ कैसा। औरत माँ हो सकती, बहन हो सकती, हर रिश्ता हो सकता, एमएलए नहीं हो सकती। बीवियों को ठहरा करे, बहनों को ठहरा करे, टिकट आ दिए उसकी बीवी को ठहरा करो, उन्हें ठहरा करता क्या पूछो, सर्वर को उन्हें देता क्या पूछो, उसकी बीवी उसकी बहन ठहरती क्या पूछो, उनकी बेवा ठहरती क्या पूछो, क्यों रिजर्व है यहाँ औरत होना। लेकिन गुलबर्गा नॉर्थ की जब आती बात तो पेट में धरा। तो ये चीज़ा सोच के समझिए, ये अपने तकलीफ़ा हैं जो कौम पे ला के डाल रहे हैं, ये अपने जाति काम नहीं होने से, जाति कोई मसले हल नहीं होने से, या अपना कोई गरज पूरी नहीं होने से, ये आवाम का मसला, कौम का मसला, शहर का मसला बना रहे। और आप लोग भी बाशऊर हैं, आजकल का जनरेशन तो पूरे स्मार्टफोन्स पे है, और वो खुद अपनी समझ रखती हैं। तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर सोचिए, कोई पार्टी के कैंडिडेट से इख्तलाफात नहीं, कोई पार्टी के कैंडिडेट से हमारे इख्तलाफात नहीं, लेकिन जो इंतजार पैदा कर रहे हैं उससे, जो लोग फासिस्ट ताकत को जिताने के लिए इत्तेहाद हो रहे, मुत्तहिद हो रहे, हमारी लड़ाई उनसे है। हर कैंडिडेट का हक है, जमहूरी हक है, आपके बीच में आए, अपनी बात रखे, आपको वोट मांगे, और आपको भी जमहूरी हक है अपना वोट देने का। और वोट डालिए, वोट डालिए, अव्वलीन वक्त में वोट डालिए, खानदान के अफराद से वोट डालाइए, अड़ोस पड़ोस से वोट डालाइए, फ़ोन करके बोलिए कि वोट डाले, 7 बजे से 6 बजे तक वोट डालाइए। लड़ने के लिए, गिले शिकवों के लिए पूरा बाद में वक्त मौजूद है, वक्त निकल गया तो उसके बाद गिले शिकवे रह जाएंगे, कुछ काम करे वैसा नहीं रहेगा। कोई सर पे दुपट्टा डालते, मैं समझता हूँ आप सबको फख्र होता है जब एक एमएलए हिजाब पहन के असेंबली में जाती है और वही बीजेपी के लीडरों के आँखों में आँख डाल के देख, ये ताकत आप दिए, ये हिम्मत आप दिए। अरे हम तो मेहनत करते हैं वोट डलाने के लिए, लेकिन जो दुआ और जो वोट और जो आप लोगों की हिम्मत उनको है, वो वोट से ही हिम्मत आती है। और वो 4 मुसलमान और एमएलए रह गए हैं पूरे इंडिया में, अब एक कनीज फातिमा है उसमें से। ये तादाद को और बढ़ाइए, जो औरत नहीं बोल रहे ना उनको बताओ आप लोग कि तुम औरत को नहीं बोल रहे, हम बार बार वोट जो है ना हर जगह औरतों को डालेंगे और जिताएंगे। बोल वो तरबियत रही कमरुल इस्लाम की, बुजुर्गा ने दीन की वो दुआ रही गुलबर्गे पे कि 72 के बाद वैसे हालात नहीं आने दिए, वसवसे पैदा करके आपस में तफरीक़े पैदा करने से ये होने वाला नहीं है। कांग्रेस मैडम को टिकट दिए, आप लोग जिताए, फिर मैडम को टिकट मिली है, कमरुल इस्लाम साहब की बीवी हैं, आप सबका उनसे, आप औरत हैं तो आपको और डायरेक्ट है, आसान। मैडम आप घर में आके बात कर सकते हैं, ऑफिस में कहीं भी उनसे बात कर सकते हैं। मैं कल वर्षा गायकवाड़ जी जो धारवी की एमएलए हैं उनके साथ बैठा था, मैं उनके साथ आनंद जैसी जगह में काम करा गुजरात में, वो मैं जिसके साथ दिल्ली में काम करता हूँ इमरान प्रतापगढ़ी, वो उनको अपना भाई मानती है। लीडरशिप बहुत आगे आई है, आप लोग भी आगे आइए। कई लेडी कॉरपोरेटर्स हैं जो आज फील्ड में हैं, ग्राम पंचायत औरत, तालुका पंचायत औरत, जिला पंचायत औरत, एमपी औरत, आईएएस औरत, टीचर औरत, आईपीएस औरत, पायलट औरत, हर जगह हम चीयर कर। गुलबर्गा नॉर्थ की सीट औरत बोलते पेट में तकलीफ, तल मला के रह जाते कि भाई औरत हूँ कैसा, औरत हूँ कैसा। औरत माँ हो सकती, बहन हो सकती, हर रिश्ता हो सकता, एमएलए नहीं हो सकती। बीवियों को ठहरा करे, बहनों को ठहरा करे, टिकट आ दिए उसकी बीवी को ठहरा करो, उन्हें ठहरा करता क्या पूछो, सर्वर को उन्हें देता क्या पूछो, उसकी बीवी उसकी बहन ठहरती क्या पूछो, उनकी बेवा ठहरती क्या पूछो, क्यों रिजर्व है यहाँ औरत होना। लेकिन गुलबर्गा नॉर्थ की जब आती बात तो पेट में धरा। तो ये चीज़ा सोच के समझिए, ये अपने तकलीफ़ा हैं जो कौम पे ला के डाल रहे हैं, ये अपने जाति काम नहीं होने से, जाति कोई मसले हल नहीं होने से, या अपना कोई गरज पूरी नहीं होने से, ये आवाम का मसला, कौम का मसला, शहर का मसला बना रहे। और आप लोग भी बाशऊर हैं, आजकल का जनरेशन तो पूरे
स्मार्टफोन्स पे और वो खुद अपनी समझ रखती हैं। तो आप लोग इस चीज के ऊपर सोचिए, हर कैंडिडेट का हक है, जमहूरी हक है, आपके बीच में आए, अपनी बात रखे, आपको वोट मांगे, और आपको भी जमहूरी हक है अपना वोट देने का, और वोट डालिए, वोट डालिए, अव्वलीन वक्त में वोट डालिए, खानदान के अफराद से वोट डालिए, अड़ोस पड़ोस से वोट डालिए, फोन करके बोलिए कि वोट डाले, 7 बजे से 6 बजे तक वोट डालिए, लड़ने के लिए, गिले शिकवों के लिए पूरा बाद में वक्त मौजूद है, वक्त निकल गया तो उसके बाद गिले शिकवे रह जाएंगे, कुछ काम करे वैसा नहीं रहेगा। मैं और एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अगर हमारे बोलने में या कुछ बातचीत में आप लोगों को तकलीफ हुई तो उसकी मैं माजरत भी चाहता हूँ।